क्या राजस्थान से सीधा कनेक्शन है नू दंगों का? क्या राजस्थान से निकली नू दंगों की चिंगारी? क्या राजस्थान से बना है नू दंगों के आग का गोला, या फिर राजस्थान से भड़काई गई है दंगों की आग? क्योंकि हिंसा की आग थमने के बजाय और भड़क रही है। ये कई तरह के सवाल आज राजस्थान में नू दंगों को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि दंगाइयों में राजस्थान की मिट्टी से 8 लोग शामिल है। आज द नगरी आपको बताएगी राजस्थान और नू दंगों का सीधा कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सिद्धिका मनोहर सोनी। अभी 5 दिन पहले हरियाणा के मेवात नू इलाके में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकलने के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा की आग देखते ही देखते नू से सोहना, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गई, लेकिन बाद में हिंसा की जांच पड़ताल करने के दौरान हिंसा का कनेक्शन सीधा राजस्थान की मिट्टी से मिला, क्योंकि पकड़े गए दंगाइयों में 8 राजस्थानी शामिल है और अभी भी कई लोग पुलिस की हिरासत में है। नू हिंसा को हरियाणा के भिवानी के जंगलों में 4 महीने पहले हुई नासिर जुनेद की हत्या के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नासिर और जुनेद कौन और उनकी हत्या कहां हुई। नासिर और जुनेद भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के रहने वाले हैं। 16 फरवरी को जुनेद और नासिर दोनों की लाशें भिवानी जिले के कस्बा लोहारू में जली हुई हालत में बोलेरो गाड़ी में मिली थी। घाटमिका गांव से दंगे वाली जगह यानी हरियाणा का नू जिला सड़क के रास्ते से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन अगर बात करें पहाड़ी रास्ते से तो पहाड़ी रास्तों से नू महज 12 से 15 किलोमीटर ही रह जाता है। जांच पड़ताल के दौरान घाटमिका गांव से बाहर एक निर्माणाधीन मकान में कुछ लोग जमा होकर बैठे थे। उनकी कोई बैठक चल रही थी, वहां नू दंगों को लेकर ही बातचीत चल रही थी। अब आपको बताते हैं कि नासिर का भाई हामिद भी उसी बैठक में बैठा था। जब उससे दंगों के बारे में पूछा गया तो उसने बहुत ही करारा जवाब दिया। उसने कहा कि हरियाणा में हुए दंगों को मेवात का जवाब या मजबूरी, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। ऐसा उसने आक्रोश में कहा, क्योंकि नासिर जुनेद की हत्या के आरोपियों को नहीं पकड़ने को लेकर लोगों में और कौम में पहले से ही आक्रोश था। नासिर का भाई हिंसा का कारण एक शख्स मोनू मानेसर के द्वारा डाला गया एक वीडियो बता रहा है। मोनू मानेसर हरियाणा में एक जाना माना नाम है। इससे पहले कथित गौरक्षा के नाम पर हुई हत्याओं के मामले में उसका नाम सुर्खियों में आता रहता है। मोनू मानेसर वीडियो डालकर बार बार कह रहा था कि मैं रैली में आ रहा हूँ, मेवाती कौम को चैलेंज पर चैलेंज दे रहा था। ये सब क्या था, ये हमें मौका मिला और हमने इस मौके का निश्चित रूप से फायदा उठाया। फिलहाल इस मामले को लेकर नू जिले के SP वरुण सिंगला ने बताया कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक 141 से ज्यादा दंगाइया हमने गिरफ्तार किए हैं, उनमें से 8 लोग राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले के गाँव के रहने वाले भी है। वही दूसरी ओर नासिर जुनेद मर्डर में अब तक महज 3 गिरफ्तारी हुई है और 27 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्यवाद।